लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम शकील मियां तैयार हो? आ गए भाई, आ गए। आ जाओ, आ जाओ। जी सलाम। सलाम भाई। जुम्मन मियां, अल्लाह ने वक्त पर ने मियां को भेज दिया, बस इसी से बेफिक्र होकर ख्वाजा साहब के दरबार में जाने की घड़ी आ गई। बड़ा सवाब मिलेगा बेटे। अबू। हाँ बेटे। दवा वक्त पर लीजिएगा। हाँ बेटे। चले। अबू। हाँ बेटे। वापसी कब होगी? बस इंशाल्लाह ही तुम्हारे साथ ही मनाएंगे बेटे। हाँ जी। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज का दूसरा सबक है दुनिया, वर्ल्ड। क्या बोलिए, बोलिए क्या? दुनिया, वर्ल्ड। शाबाश। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, जिनमें से एक है हमारा भारतवर्ष, हमारा इंडिया। नहीं, अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया। शौकत, चलो खड़े हो जाओ, मुर्गा बनो। खामोश। पढ़ाई में हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? और पढ़ाई के बाद? खामोश, आप बीच में मत बोलिए। आज जो सबक पढ़ाया उसे दोहराइएगा, और कल जो नहीं बता पाएगा उसका कुकड़ुकू। चुप। बन्ने साहब, आपको अगर यहाँ आना है तो मुंह बंद। सपापा, आज का सबक दोहराने के बाद टीवी देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हो। चली गई, चलो मेरे साथ। ए शाबाश। ये मेरे शेर भाई बहुत अच्छा। लालू पूरा याद आ गया। आजा, आजा। शाबाश। अब तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। ये क्या, देखने की चीज आई तो चल दिए? हमारी ये टॉप की हीरोइन है। वो क्या होता है? फिल्म की नंबर वन हीरोइन, एक्टिंग में भी और खूबसूरती में भी। ये? हाँ, इससे हजार गुना खूबसूरत तो हमारी सभा भी है। सभा भी आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? कितनी तो खूबसूरत हैं आप, वो टॉप की हीरोइन तो आपके सामने पानी भरती है। हम आपको अच्छे लगते हैं। हम ही क्या, आप तो सबको ही अच्छी लगती हैं। आप हैं ही ऐसी। इस बार गांव जाएंगे तो एक अपनी तस्वीर दे दीजिएगा, दोस्तों को दिखाकर कहेंगे देखो हमारी सभा भी एकदम परी है परी। हाय अल्लाह। आदाब। आदाब। आपसे कुछ खास काम था। फरमाइए। आपने पहले जो नज़्म दी थी उसी रंग की कोई और दीजिए ना। जी जी, आइए। लीजिए, इन सब में एक ही रंग है, मोहब्बत का। लजा गए, शर्मा गए, दामन छुड़ा गए, ए इश्क मरहबा, वो यहां तक तो आ गए। हेलो पिंकी, कैसी है? बहुत दिनों से ना कोई फोन ना मुलाकात। तू भी तो फोन कर सकती थी, मगर तुझे उस शबनम के कतरे से फुर्सत मिले तब ना। फिर वही बकवास। अच्छा एक काम कर, तू सीधी यहाँ चलिया, फिर दोनों बैठकर गप्पे मारेंगे। लेकिन यार मैं तो बीमार हूँ, दो दिन से बिस्तर में पड़ी हूँ। क्या, तेरी तबीयत ठीक नहीं? पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, हम अभी घर से होकर तेरे पास सीधे आते। अरे सुन, अकेली मत आना, उसे भी साथ लाना। किसे? अरे वही यार, तेरा भीड़ से हटकर इंसान। ओके बाय, जल्दी आना। कैसा लगा?
बिल्कुल जान कटकुड़ा। क्या हुआ सबबी? कुछ नहीं, इसे कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। क्यों जी? बीमार पड़ी है पर मेहंदी लगाए बिना नहीं रहा गया। अरे वो अल्पना की शादी पे गई थी ना, तो वहीं लगा दी। तू नहीं आई वरना तुझे भी लग जाती। इनको मेहंदी हम लगा देंगे। आपको लगाने आती है? अरे गांव में सभी लड़कियां हम ही से मेहंदी लगवाती हैं। अच्छा? हाँ। बहुत देर हो गई, अब चलते हैं, फिर आएंगे। चलिए चलिए, अपना ख्याल रखना। और तू भी। बाय। सब अभी ईद कब की है? ईद 2 रोज बाद, उसी दिन तो अब्बू की वापसी है। तो ठीक है, उसी रोज हम आपको मेहंदी लगाएंगे और देखिएगा हमारे हीना का रंग इतना पक्का होता है कि मुद्दा तो नहीं छूटेगा। सच कह रहे हैं? झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं, चाहे तो आजमा लीजिएगा। हमें भी आजमा ले जाने मैम। ये हुस्न और काफिर जवानी, कौन झूठ बोलेगा तुमसे? आप मुंह संभाल के बात कीजिए। ये होश में नहीं है, इनके मुंह मत लगिए। चलिए। ए भेड़ू, देख ले इसको। ज्यादा हो रहा है क्या?
अब आप जाइए, खुदा के लिए चले जाइए। मोहब्बत हो जाए तो कैसा लगता है? जो अभी तुम टीवी पर देख रहे थे। अम्मा ऐसे नहीं, जरा समझा कर बताओ। अपना तजुर्बा तो कुछ यूं है बन्ने भाई, जैसे ही वो सामने दिखे हाथ पैरों में कुछ रेंगने सा लगता है। वो तो हमें भी, और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बिल्कुल ठीक, जी चाहता है उसे बाहों में लेकर। बस 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 यार, मगर ये बताओ ये कैसे मालूम पड़े कि उसको भी प्यार हो गया है? वैसे तो दूसरी तरफ से भी सिग्नल मिलने ही लगते हैं, पर सीधे पूछ लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, सिर्फ दो चार जूते ही पड़ सकते हैं। पढ़ने दो, कोई बात नहीं है। सब अभी आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ। बताइए ना सब अभी, क्या किसी को देखकर आपके हाथ पैरों में भी कुछ रेंगने लगता है? हाँ। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जोर से। सब अभी कहाँ खो गई? सब अभी आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। आपको कभी किसी से मोहब्बत हो गई? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे सवाल करते, वो भी हमसे। जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए। जाते हैं, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल होगी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ना जाने हमारे मुंह पर ऐसी बात कैसे आ गई। कसम से अब हमारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मैं खुदा के लिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लिल्ला हम कह पाते कि हमने किसी से नहीं बल्कि आपसे और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। मुंह अंधेरे कहाँ चल दिए, कहीं रात की बात पर। सलीम भाई जरा सुनिए। जी। आपने बन्ने को देखा है कहीं? हाँ अभी बाहर जाते हुए देखा। क्यों, कोई खास बात? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। आदाब। आदाब। सभा, सभा बेटी। अबू आप? आदाब अबू। जीती रहो, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो बेटी? आप ही का इंतजार कर रहे थे अबू, आपने कहा था ना हम ईद इकट्ठे मनाएंगे। आहा। और आज ईद है। आइए अबू। आ जाओ आ जाओ, ईद का मौका है और तुम तो जानती हो बेटी कि बहुत से काम होते हैं, फिर तुमने बन्ने मियों को काम पे जाने से रोका क्यों नहीं? हम भीतर थे अबू, न जाने कब निकल गए। ठीक है, मैं नमाज को जा रहा हूँ, रास्ते में देख लूंगा, और अगर वो यहाँ आ जाए
उसे रोक के रखना। अच्छा कहाँ चले गए बन्ने, कहाँ ढूंढे आपको? अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं, मगर खुदा के लिए वापस आ जाइए।